अच्छा सिक्स और सेवन विषय संस्कृत हम पढ़ रहे हैं समास प्रकरण। समास प्रकरण कल में आप लोगों को अव्ययी भाव समास के उदाहरण करवाया था। अव्ययी भाव समास के उदाहरण करवाया था। आज भी अव्ययी भाव समास के और कुछ उदाहरण कराएंगे अव्ययों का प्रयोग करके। जैसे दे दिया जाए उपनगरम, तो यहाँ पे उप क्या है, अव्यय है, उप अव्यय को हटा देंगे। उसके बाद शब्द क्या बचा, नगरम, तो उप अव्यय के योग में किसी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं षष्ठी व्यक्ति का, तो नगर शब्द में षष्ठी व्यक्ति लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, नगरस्य, क्या हो जाएगा, नगरस्य। उप अव्यय का अर्थ क्या होता है, समीपम, क्या होता है, समीपम, तो लिख देंगे समीपम, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा नगरस्य समीपम, क्या हो जाएगा, नगरस्य समीपम। अगला उदाहरण लेते हैं, आ जाएगा उपग्रहम, उपग्रहम, उप क्या है, अव्यय, उप अव्यय को हटा देंगे, ग्रहम शब्द। अब उप अव्यय के युग में किसी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है षष्ठी व्यक्ति का, तो क्या लिख देंगे, ग्रहस्य, क्या लिख देंगे, ग्रहस्य। उप अव्यय का अर्थ क्या होता है, समीप, क्या लिख देंगे, ग्रहस्य समीपम, जो इसका क्या हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा। तीसरा उदाहरण अनुग्रहम, अनुग्रह। अब देखिए यहाँ पे भी शब्द ग्रहम ही है, लेकिन यहाँ पे अव्यय क्या हो गया, अनु, तो अनु अव्यय को हटा देंगे। अनु अव्यय के युग में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो ग्रहम के स्थान पे क्या हो जाएगा, ग्रहस्य। अनु अव्यय का अर्थ क्या होता है, पश्चात और योग्यता, तो यहाँ पे इसका अर्थ निकलता है घर के पीछे, तो ग्रहस्य पश्चात यानी घर के पीछे। अगला है अनुरथम, अनु अव्यय आ गया, अनु अव्यय को हटा दो, उसके बाद शब्द क्या बच गया, रथम, रथम शब्द में षष्ठी व्यक्ति लगा दो, क्योंकि अनु अव्यय के युग में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, रथस्य। पीछे के लिए पश्चात शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। अब नंबर पांच प्रतिमासम, प्रतिमास, प्रति क्या, अब हटा दो, अब बच गया मासम, इसमें द्वितीय विभक्ति भी लगता है, सप्तमी विभक्ति भी लगता है, तो द्वितीय विभक्ति लगा के पहले करते हैं, तो हो जाएगा मासम, मासम। उसके बाद विपसा यानी पुनरावृत्ति किसकी कर देते हैं, अव्यय का ही, तो लिखेंगे मासम मासम प्रति। अब इसी को सप्तमी व्यक्ति में भी कर सकते हैं, तो सप्तमी व्यक्ति में करेंगे तो क्या हो जाएगा, मासे मासे प्रति, सप्तमी व्यक्ति लगा देंगे तो हो जाएगा मासे मासे प्रति। अब है नंबर छः प्रत्यर्थम, एक दे दिया जाए प्रत्यर्थम, यहाँ पे अव्यय है प्रति प्लस अर्थम, क्या है, प्रति प्लस अर्थम, तो प्रति अव्यय को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, अर्थम,
द्वितीय विभक्ति लगा के करेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्थम अर्थम प्रति, अर्थम अर्थम प्रति, और यही सप्तमी विभक्ति लगा कर तो क्या होता है, अर्थ अर्थ प्रति, अर्थ अर्थ प्रति। तो ये अव्ययीभाव समास के कल सारे उदाहरण नहीं हो पाए थे, तो बाकी उदाहरण मैं आज करा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। अब जैसे अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 7, यथा मति। यथा क्या है, अव्यय है, तो यथा अव्यय को हटा दो, मति शब्द में द्वितीय विभक्ति लगा दो, तो मति उसके बाद में यथा अव्यय का अर्थ क्या होता है, अनति क्रम, मतिम अनति क्रम। नंबर 8 पे यथा बुद्धि, यथा बुद्धि, यथा अव्यय को हटा दो, बुद्धि शब्द में द्वितीय विभक्ति लगा दो, तो क्या हो जाएगा, बुद्धिम। यथा अव्यय का अर्थ क्या होता है, अनति क्रम, तो क्या हो जाएगा समास विग्रह, बुद्धिम अनति क्रम। उसके बाद में दे दें सचित्रम, यहाँ पे क्या है, स अव्यय तो हटा दो, चित्रम शब्द में तृतीय विभक्ति लगा दो, तो चित्रीण, और स अव्यय का अर्थ क्या निकलता है, सहितम, तो क्या हो जाएगा, चित्रीण सहितम। इस प्रकार से आप उदाहरणों को बड़ी ही सरलता से पूरा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।